ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एयर्स का यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 102nd एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार, जेई मेन अभी हमारे पास में सिर्फ 10-12 दिन रह गए हैं जेई मेन में, ठीक है। तो हम लोग कुछ एनटीए के क्वेश्चंस लेंगे, जो एनटीए अभ्यास ऐप में आप लोगों को बहुत सारे पेपर्स दिए गए थे और उसके हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, उस पर हम लोग ट्रिक्स देख रहे थे अलग अलग क्वेश्चंस में, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नीट का और जेई मेन का, नीट का भी एग्जाम हमारे पास में 20-25 दिन बाद है और जेई मेन का एग्जाम भी हमारे पास में 10 दिन बाद है। तो बहुत अच्छे से आप लोग इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करने की जरूरत है, ताकि आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, लेट से 150 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, उसको अगर आपको बूस्टअप करना है, 30-40 मार्क्स अगर आपको बढ़ाने हैं, तो ये प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देखो आप लोग। पहले 100 वीडियोस आ रखे हैं, 101 वीडियोस आ रखे हैं, और ये 102nd एपिसोड को हम लोग आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है आपके पास में साउंड वेव से डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है हीट करंट से, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हीट करंट से हमारे पास में क्वेश्चन है। अब ये दोनों क्वेश्चन को मान लो आपके पास में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको मार्क्स बढ़ाना है, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको मार्क्स लाना कैसे है, लाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद में और बढ़ाने के लिए ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ट्रिक्स के वजह से ही सारे के सारे मार्क्स ले आओगे, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, नहीं, ट्रिक्स की हेल्प होती है मार्क्स बढ़ाने में। तो आप मार्क्स कैसे बढ़ाओगे, सपोज कर लो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता, या फिर आपके पास टाइम बहुत कम है, ये दोनों क्वेश्चन सपोज कर लो आपके पास में टाइम बहुत कम है सॉल्व करने के लिए, तो किस तरीके से हम लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से जुगाड़ लगा के फटाफट इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको यहां पर इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है सोर्स ऑफ साउंड एस एमिटिंग वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड एन ऑब्जर्वर ओ आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। आप देख सकते हो डायग्राम में आपको क्लियरली दिया हुआ है, ऑब्जर्वर ओ भी दिख रहा है। अब आपको ये बोल रहा है कि द सोर्स इज मूविंग विद द स्पीड 19.4 एट एन एंगल 60 डिग्री विद द सोर्स ऑब्जर्वर एज शोन इन द फिगर। तो ये 60 डिग्री पे इस तरीके से मूव कर रहा है। अब हमको बोल रहा है ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। The apparent frequency observed by the observer, ठीक है, apparent frequency आपको चाहिए यहाँ पर हमारे पास में, जो भी हमारे पास में observe हो रही है, तो वो कितनी होगी, 103, 106, 97, 100। अब ऐसे question में trick कैसे लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना यार, थोड़ा सा ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे पास में डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। क्या मैं ये सही बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला इतना तो आपको पता होगा कि हाँ भाई ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अब यहां पर आप देख रहे हो कि भाई ये एंगल वैंगल दिया हुआ है, सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है, आप लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हो, छोड़ना नहीं है, ट्रिक्स लगा के सॉल्व करना है। कैसे करोगे, देखो आप एक चीज नोटिस करो, एक चीज आपको यहां पर पता होना चाहिए, नोटिस भी कर सकते हो आप लोग, कि जब भी रिलेटिव वेलोसिटी आप देख सकते हो यहां पर, आप ये जो वी एस है, ठीक है, वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वी नॉट क्या है, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। तो अगर मान लो हमारा जो Vs है, Vs अगर हमारे पास में बढ़ने लग जाए, अगर Vs बढ़ने लग जाए, ध्यान से देखना, अगर Vs की वैल्यू बढ़ने लग जाए तो नीचे वाला जो क्वांटिटी है वो छोटा होने लग जाएगा। अगर हम Vs को बढ़ाने लग जाएं, या तो Vs जीरो होगा, जीरो नहीं होगा तो कुछ और होगा, अगर हम Vs को बढ़ाने लग जाएं तो V माइनस Vs जो है V में से कुछ कम होता जाएगा। तो जितना ज्यादा Vs होगा उतना ज्यादा हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा, उतना ज्यादा हमारे पास में ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, समझ में आ रहा है आपको। या फिर ये जो वी नॉट है ना, वी नॉट ऑब्जर्वर का स्पीड, ऑब्जर्वर का स्पीड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मान लो आपका जो साउंड है वो इस तरफ ट्रेवल कर रहा है वी, और जो ऑब्जर्वर है वो उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, ऑब्जर्वर क्या है, उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है आपका, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वी माइनस वी नॉट की जगह क्या करते हैं, वी माइनस ऑफ माइनस वी नॉट, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो वो माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाता है। तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है अपरेंट वो ज्यादा आती है, मतलब कि जब भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, जब भी रिलेटिव मोशन ज्यादा है, मतलब आपस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जब भी वो अवे जा रहे हैं, ठीक है, सपोज कर लो अवे जा रहे होते तो फिर वो फ्रीक्वेंसी कम आती ओरिजिनल वैल्यू से। तो अगर 100 हमारे पास में वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 100 है। अब यहां पर क्या हो रहा है, V नॉट तो भैया रेस्ट पे है, लेकिन जो Vs है, जो डिनोमिनेटर है, वो छोटा हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक रिलेटिव स्पीड है इस डायरेक्शन में, राइट, है ना। अगर कुछ भी कॉम्पोनेंट वॉम्पोनेंट भी अगर हम लोग लेते हैं तो हमको समझ में आ रहा है फील करके कि यहां पर स्पीड के डायरेक्शन में Vs है, Vs अगर है तो यहां पर कुछ क्वांटिटी घट रही है माइनस करने की वजह से, तो ओवरऑल वैल्यू 100 से ज्यादा आएगी, मतलब इस एफ डैश से ज्यादा आएगी। ये चीज आप लोगों को फील हुआ, ठीक है। अब इतना आप लोग समझ लो तो आपके भैया एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया 97, एक और एलिमिनेट हो गया 100, क्योंकि 100 से ज्यादा आएगा ना। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, एक ऑप्शन आपको दिया 103
और एक ऑप्शन दिया 106, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा ये थोड़ा सा फील करना पड़ेगा आपको। फील के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 103। क्यों? क्योंकि दो ऑप्शन दिए हैं 100 से प्लस 3 माइनस 3। सपोज एक ऑप्शन आपको 100 दिया हुआ था, ऑप्शंस क्या क्या थे, 103, 106, 97 और 100। तो जो भी इंसान क्वेश्चन बनाएगा वो क्या करेगा, इंसान बच्चे को कंफ्यूज करना चाहेगा, तीन ऊपर भी दे दिया, तीन नीचे भी दे दिया। लेकिन इसका हम लोग फायदा उठा लेते हैं, कैसे, हमको ये समझ में आ जाता है कि यार 106 आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हम लोग क्या करते हैं, इससे ये फील कर लेते हैं कि 106 होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 100 से 3 ऊपर 103, 100 से 3 नीचे 97, राइट। यार देखो इसकी 100% गारंटी नहीं होती, बट हाँ इससे आप मार्क्स अपना बूस्टअप कर सकते हो काफी हद तक, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है करेक्ट होने की। तो यहां पर आपका क्या होगा, 100 से 3 ज्यादा 3 कम। अब 100 को हमने एलिमिनेट कर दिया, 97 को भी एलिमिनेट कर दिया अपने इस वाले लॉजिक से कि भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा आनी चाहिए, तो यहां पे बचेगा क्या, 103, बस 103 हमारे पास में आंसर होगा। तो इसको हम लोग विद इन सेकंड्स कर सकते हैं। मैंने जब इस क्वेश्चन को पहली बार देखा ना, मैंने विद इन सेकंड्स इसका तुक्का मारा था और सही हो गया था, ठीक है। ये आपको आर्ट सीखना पड़ेगा, इस इंटेलिजेंट गेसिंग का आर्ट सीखना पड़ेगा। जब भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, आपस में पास आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। अब वो पास कैसे आ सकते हैं, या तो v माइनस v नॉट की जगह v प्लस v नॉट हो जाए ऑपोजिट डायरेक्शन, या फिर जो डिनोमिनेटर है वो घटने लग जाए, ठीक है, vs आने लग जाए, सोर्स भी मूव करने लग जाए, एक ही बात है, मतलब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। तो अगर या तो ऑब्जर्वर मूव करे या सोर्स मूव करे या दोनों मूव करे, कुछ भी हो जाए, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो यहां पे 100 से ज्यादा होना चाहिए था। इस तरीके की ट्रिक को अप्लाई करके हमने यहां पर करेक्ट आंसर मार्क कर लिया बहुत ही जल्दी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को समझना। टू रॉड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड मटेरियल ट्रांसफर अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट इन 12 सेकंड्स व्हेन दे आर जॉइंड एंड टू एंड इन सीरीज, व्हेन दे आर जॉइंड इन पैरेलल दे विल ट्रांसफर द सेम हीट अंडर द सेम कंडीशंस इन। अब हो सकता है आप लोगों को यार ये हीट करंट वगैरह पता नहीं है, ठीक है, या फिर आपको अच्छे से यू नो टाइम लग रहा है सॉल्व करने का, आपको टाइम नहीं है, दो मिनट बचा है और इन्विजिलेटर जो है वो पेपर मांग रहा है आपसे, तो फटाफट कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ओरली देखो कैसे करेंगे, ओरली समझो। सीरीज में था पहले, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस एड हो जाता है, 2R हो जाता है, बाद में पैरेलल में था, पैरेलल में R by 2 हो जाता है, तो पहले 2R था, बाद में R by 2 हुआ, मतलब कि 4 गुना कम हो गया, 4 गुना कम हो गया, तो जो चार्ज का जो ट्रांसफर है या फिर जो हीट का ट्रांसफर है, दोनों रिलेट कर सकते हो आप लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसफर को, तो वो क्या होगा, 4 गुना फास्ट हो जाएगा, मतलब जो पहले 12 सेकंड लग रहा था वो अब क्या हो जाएगा, 3 सेकंड लगेगा। तो आप आंसर क्या दे के आओगे, 3 सेकंड आप यहां पे आंसर दोगे। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि पहले दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो रहे थे, लेट से तो 2R था, बाद में क्या हो गया, पैरेलल में आ गए तो R by 2 हो गया, तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो गया, 2R divided by 4 equal to R by 2, 4 गुना कम हो गया, तो जो करंट है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, राइट, बिकॉज V equals to IR होता है ना, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, राइट, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा करंट बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो गया, करंट 4 गुना बढ़ जाएगा। अब करंट क्या होता है, करंट इज क्यू बाई टी, करंट इज क्यू बाई टी, करंट 4 गुना बढ़ेगा, करंट हमारे पास में जो है 4 गुना अगर बढ़ेगा तो जो टाइम है वो 4 गुना कम हो जाएगा, अगर चार्ज सेम है तो, राइट, या तो चार्ज को 4 गुना बढ़ा दो या फिर टाइम को 4 गुना कम कर दो। तो इस लॉजिक से हमने बिना पेन का यूज करे फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंट तरीका होता है, आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है, आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे पता है, देखो ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करोगे, आप यहां पर देख सकते हो कि यार आपको 12 सेकंड दिया हुआ है, तो भाई क्लियरली रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट ज्यादा आएगा, तो स्पीड बढ़ेगी, कम टाइम में चला जाएगा, तो क्लियरली 12 से ज्यादा टाइम तो नहीं होगा, तो आप 24 को एलिमिनेट कर सकते हो, 48 को एलिमिनेट कर सकते हो, दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए फील करके कि भाई जब करंट बढ़ रहा है तो भाई सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आने में कम टाइम लगेगा, इतना तो बेसिक पढ़ाई आपको आना चाहिए। अब उसके बाद में जरूरी नहीं है आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करो, सॉल्व करके पूरा लाओ, ठीक है, अगर आपको हीट करंट नहीं भी आता तो भी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले से भी आप उसको रिलेट करके कर सकते हो। ये मैं बेसिकली आप लोगों को समझाना चाहता हूं, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, एनटी अभ्यास आपके क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जेईई मेन में आएंगे, आप क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा सकते हो, सब में नहीं लगा पाओगे, कुछ क्वेश्चंस में आप ट्रिक्स लगा पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के वंडरफुल कमेंट्स लेता रहता हूं, तो ये वंडरफुल कमेंट प्रसन्ना भाई ने किया है और ये कह रहे हैं ओनली एआर फिट स्टूडेंट एंड एआर स्क्वाड सपोर्ट बहुत है, थैंक यू सो मच यार, इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहो, कमेंट करते रहो चैनल के नीचे, और बस मैं भी आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूंगा, लास्ट मोमेंट है जेईई मेन का और ज्यादा फ्रीक्वेंसीज में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बनाऊंगा ताकि आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।